नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, जब भी हम घर में वार्डरोब बनाते हैं तो कई बार वार्डरोब के शटर बेंड खा जाते हैं। अब बेंड खाने से होगा क्या, ऊपर फिट नहीं हो पाते, बीच में गैप रह जाता है, या फिर खोलने या बंद करने में काफी जोर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही है, क्या ऐसे कारण है जिस कारण से हमारे वार्डरोब के शटर बेंड खा जाते हैं। इन कारणों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रिकॉशन रखिए, तो आपके वार्डरोब में या आपके फर्नीचर में शटर के बेंड खाने की टेंडेंसी काफी कम रह जाती है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों, सबसे पहला रीजन होता है बेंड खाने का कि प्रॉपर मटेरियल हमने शटर के लिए काम में नहीं लिया है। दोस्तों, पहले भी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ कि वार्डरोब के अंदर किस तरह का मटेरियल काम में लेना चाहिए। दोस्तों, जनरली शटर बनाने के लिए हमें केवल और केवल ब्लॉक बॉडी काम में लेने चाहिए। अगर हमने प्लाई का शटर बना दिया तो उसकी बेंडिंग टेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ कई बार हम MDF के जो इंटीरियर ग्रेड का MDF है उसका भी हम शटर बना देते हैं, उसमें भी बेंडिंग टेंडेंसी काफी ज्यादा रहती है। अगर आप MDF काम में ले रहे हो तो MDF की जगह आप HDF जो HDHMR भी जिसको हम बोलते हैं वो काम में लीजिए, ब्लॉक बोर्ड काम में लीजिए। शटर की हाइट और विड्थ के अनुसार उसकी थिकनेस भी प्रॉपर होनी चाहिए। मेरा प्रेफरेंस है कि आप 25mm 30mm के शटर्स काम में लीजिए, और जो छोटे शटर हैं उनको आप 19mm ब्लॉक बोर्ड का भी बना सकते हैं। ब्लॉक बोर्ड की क्वालिटी का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन करके भी आप शटर को बेंड खाने से बचा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, शटर की बैलेंसिंग बराबर करना। शटर पे फिनिश कराते समय या तो हम उस पर विनियर लगाएंगे या माइका लगाएंगे या फिर कलर कराएंगे या डिको पेंट कराएंगे। तो फ्रंट में तो हम कई बार क्या होता है दोस्तों, 1mm की माइका लगा देते हैं, बैक में हम कई बार 0.8 की 0.7 की माइका लगा देते हैं। इस कारण से दोनों तरफ जो हमारा वेट है शटर का वो इनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि दोनों की माइका का वेट भी अलग अलग आता है, उनको लगाने के लिए फेविकोल भी अलग अलग मात्रा में लगता है। तो इम्बेलेंसिंग होने के कारण भी शटर की बेंडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। चाहे विनियर लगाएं, चाहे डिको पेंट कराएं या फिर माइका लगाएं, दोनों तरफ शटर की बैलेंसिंग का विशेष ध्यान दें। जो फिनिश हमने जो थिकनेस आगे काम में ली है वही थिकनेस हम पीछे भी काम में लें, ताकि आपकी शटर का बैलेंस बना रहे और वो बेंड नहीं खाए। अगला पॉइंट है दोस्तों, हमें वार्डरोब को ओवरलोडिंग करने से बचाना होता है। जनरली वार्डरोब में हम कपड़े ही रखते हैं, पर कई बार क्या होता है छोटे जो शेल्फ है उसमें हम ओवरलोड करके काफी कपड़े भर देते हैं, या फिर कोई भारी सामान उसमें रखाई में आ जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है, ओवरवेट होने से भी जो हमारे शटर हैं उनका बैलेंस है, उनकी इंक्लाइनमेंट है, या फिर उनका कहें जो वाटर लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो शटर अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस कारण भी शटर कई बार बेंड खा जाते हैं। तो आप हमारी वार्डरोब जो भी आप काम में ले रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर वेट का ही सामान रखिए, उसको ओवरलोड हमें नहीं करना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस करके भी आप शटर की बेंडिंग को बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर यूज करने से शटर में कई बार स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं, कई बार उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, तो इनिशियल स्टेज में ही हमें उसकी मेंटेनेंस करते रहने चाहिए। मान लो उसको स्क्रू ढीला है उसको हम रिपेयर करा लें, अलाइनमेंट डिस्टर्ब है तो उसको सही करा लें। अगर थोड़ी मोटी मिस्टेक को हम अगर नजरअंदाज करेंगे तो धीरे धीरे वो मिस्टेक शटर की बेंडिंग तक भी जा सकती है और आपके शटर बेंड खा सकते हैं। तो उसकी मेंटेनेंस आप रेगुलर रखिए, साफ सफाई रेगुलर रखिए। ऐसे ही स्लाइडिंग शटर है तो स्लाइडिंग में कई बार कचरा फंस जाता है या फिर कोई स्क्रू ढीला हो जाता है, तो उसको आप रेगुलर मेंटेन करिए। तो रेगुलर मेंटेनेंस से आपका शटर बेंड कभी नहीं खाएगा। शटर को पुल करने के लिए, स्लाइड करने के लिए प्रॉपर साइज का हैंडल काम में लेना चाहिए। कई बार हम क्या होता है दोस्तों, छोटी साइज का हैंडल काम में लेते हैं तो हमें काफी जोर लगाकर हमारे शटर को खोलना या स्लाइड करना पड़ता है। उस कारण क्या होता है, शटर पे अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर धीरे 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 उस शटर को बेंड करा देता है। तो आप रेगुलर साइज का और उसके जो आपके शटर की हैंडल की शटर की जो साइज है उसके अनुसार जो उपयुक्त हैंडल होना चाहिए वो आप काम में लीजिए। शटर के लिए और ड्रॉर के लिए क्या साइज का हैंडल और किस तरह के हैंडल काम में लेने चाहिए उसकी डिटेल वीडियो हमने बनाए रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। तो प्रॉपर हार्डवेयर यूज करके भी आपके शटर को बेंड खाने से बचा सकते हैं। दोस्तों, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके भी आपके शटर की बेंडिंग को बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आजकल AC के ज्यादा यूज के कारण पूरी बंद कमरा होता है, उसके अंदर हमने वार्डरोब बना दी। अब AC ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे चलेगा, जब हम रूम में होंगे तभी चलेगा, पर वार्डरोब को तो 24 आवर्स 365 डेज उसी रूम में रहना है। तो प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं मिलने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इस कारण भी शटर बेंड खा जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन में करना क्या है, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था उस रूम में होनी चाहिए ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और आपके शटर बेंड नहीं खाए। अगला शटर बेंड खाने का कारण होता है कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर देना।
कई बार खोलते समय एकदम प्रेशर से खोलते हैं, या फिर हमें स्लाइड करते समय एकदम स्लाइडिंग जाके लास्ट में टकराती है, तो इस तरह से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रोक पड़ने से भी शटर कई बार बेंड खा जाता है। तो इसके लोग बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्लाइडिंग के अंदर सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म काम में ले सकते हैं ताकि लास्ट में जाके वो धीरे से बंद हो। साथ ही हम हिंजेस के अंदर सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म वाले हिंजेस काम में ले सकते हैं ताकि जो हमारे शटर हैं वो धीरे धीरे जाके बंद हो। तो जेंटल यूज करके भी हम शटर की बेंडिंग को बचा सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से भी शटर बेंड खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार रूम में पोजिशन वार्डरोब किस तरह होती है कि दिन भर उस पर सनलाइट पड़ती रहती है, थोड़ी बहुत रोशनी से दिक्कत नहीं है, पर अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो शटर की जो सरफेस है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। गर्म होने से अंदर की वुड है, फेविकोल है, उसके भी केमिकल बॉन्डिंग में चेंजेस आते हैं, इस कारण भी शटर कई बार बेंड खा जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट उस पर वार्डरोब पे नहीं पड़े, और यदि पोजिशन ऐसी है कि हमारी विंडो वार्डरोब के सामने है तो हमें कर्टन लगा लेने चाहिए ताकि वो शटर पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए। एज बेंडिंग टेप भी एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है जो यूज करके हम शटर को बेंड करने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एज बेंडिंग टेप से होता क्या है कि चारों तरफ से शटर को लॉक कर देती है और शटर को अपने सिंगल पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में मेंटेन रहे, ऐसा ही कोशिश करती है। तो एज बेंडिंग टेप लगाकर भी आप अपने शटर की बेंडिंग को बचा सकते हैं। अनेक तरह की एल्यूमिनियम प्रोफाइल मार्केट में आ गई है, चाहे वो एज प्रोफाइल्स हो, चाहे वो पार्टीशन प्रोफाइल्स हो, इस तरह की प्रोफाइल को यूज करके आपके शटर की बेंडिंग को बचा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये शटर को जकड़ के रखती है, उसको अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए रोक के रखती है। तो एज प्रोफाइल यूज करके भी आप अपने शटर को बचा सकते हैं, एज प्रोफाइल टेप और एल्यूमिनियम एज प्रोफाइल यूज करके। लंबे शटर में बेंडिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। लंबे शटर को यदि हम तीन पार्ट में बनाए फिर उसको आपस में ज्वाइंट कर दें तो शटर की टेंडेंसी बेंड खाने की काफी ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह की मैकेनिज्म के लिए एक पार्टीशन प्रोफाइल मार्केट में आ गई है, एप्को ब्रांड में मार्केट में है। इसमें होता क्या है दोस्तों, शटर को तीन पार्ट में बनाकर या दो पार्ट में बनाकर फिर इसको प्रोफाइल के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इस प्रोफाइल, इस शटर को बनाने के लिए चाहे हम HDHMR काम में लें, चाहे हम ब्लॉक बोर्ड काम में लें, एक्रिलिक काम में लें, या इवन ग्लास काम में लें, तो इस तरह के हाइट वाले शटर को बनाने के लिए इस तरह की पार्टीशन प्रोफाइल काम में लीजिए तो भी आपकी बेंडिंग टेंडेंसी बिल्कुल जीरो हो जाती है। प्रॉपर संख्या में हार्डवेयर यूज करके भी आपके शटर की बेंडिंग टेंडेंसी कम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें स्लाइडिंग वार्डरोब की, स्लाइडिंग वार्डरोब में यदि आपके शटर की हाइट ज्यादा है, 7 फीट 9 फीट हाइट है, तो आप टॉप लाइन व्हील वाले स्लाइडिंग फिटिंग काम में लीजिए। टॉप लाइन व्हील से क्या होता है कि पूरे शटर को टॉप एज से प्रॉपर बैलेंस मिलता है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, तो शटर की बेंडिंग टेंडेंसी बिल्कुल कम हो जाती है। उसके विपरीत यदि हम बॉटम लाइन व्हील काम में लेते हैं बड़े शटर के लिए, तो ऊपर से जो हमारा टॉप का एज है वो केवल एक सपोर्ट के माध्यम से केवल अटका रहता है, उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इस कारण उसकी बेंडिंग टेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही बात हम करते हैं हमारे ओपनेबल शटर्स के लिए। यदि लंबा शटर है तो उसके अंदर आप हिंजेस की संख्या 5 से 6 लगाइए और लगभग 4 से 5 इंच के हिंजेस काम में लीजिए। इस कारण आप, अगर आप प्रॉपर संख्या में हिंजेस लगाते हैं तो वो पूरे शटर को प्रॉपर सपोर्ट देंगे और आपके वार्डरोब की बेंडिंग टेंडेंसी काफी कम रहेगी। साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, जो वार्डरोब का टॉप है वहां पे 2 कब्जे बिल्कुल पास पास लगाइए, उस कारण जो आपके आपके शटर का लोड है वो पूरा ऊपर चला जाता है और आपके शटर की बेंडिंग टेंडेंसी काफी ज्यादा कम हो जाती है। डोर स्टिफनर करके भी एक प्रोडक्ट आता है जो कि अधिकतर बड़े ब्रांड में सब में मिल जाता है, चाहे हैटिक, हैफले, एप्को, सभी में डोर स्टिफनर मिल जाता है। ये शटर बनाते समय भी, चाहे हमारे स्लाइडिंग शटर हो, चाहे हमारे ओपनेबल शटर हो, शटर के बैक हिस्से में कंसील्ड हो जाते हैं। इसके अंदर एक एलन की का फंक्शन होता है जिसको ऑपरेट करके हम, अगर शटर बेंड खाता है तो उसको वापस हम सीधी पोजीशन में ला सकते हैं। तो डोर स्टिफनर यूज करके भी आप शटर की बेंडिंग टेंडेंसी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बेंडिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि फर्नीचर बनाते समय जनरली शटर में आ ही जाती है। इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने के कई सारे तरीके हमने इस वीडियो में बताए, चाहे वो प्रॉपर हार्डवेयर यूज करना, प्रॉपर मटेरियल यूज करना, या प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना हो। तो दोस्तों, इस सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपके फर्नीचर की आप फंक्शनलिटी बढ़ा सकते हैं, उनको बेंड होने से बचा सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर भेजिए। आज का वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।